नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। कोरोना काल में डीजल और पेट्रोल लोगों को रुला रही है। अब तो पेट्रोल 80 रुपए तक पहुंच चुका है और डीजल 76 रुपए पार कर गया है। एक तरफ बस बंद है तो दूसरी तरफ ऑटो में रिजर्व चलना पड़ता है। ऐसे में झारखंड की जनता यह नहीं समझ पा रही कि सरकार क्या कर रही है। आखिर आम लोगों पर इतना बोझ क्यों, जबकि कोरोना काल में परेशानी सिर्फ सरकार की ही नहीं आम लोगों की भी है। उसके बावजूद भी सरकार सिर्फ राजस्व के लिए टैक्स बढ़ाकर आम लोगों को परेशानी में डाल दिए हैं। अब तो वह दिन दूर नहीं कि लोग पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। गरीबों या आम आदमी का जो बजट है उसको कमर तोड़ने वाला काम किया है, जो बजट से बाहर है और जिसको आम आदमी या कॉमन मैन इसको जो है मैनेज करने में बहुत बड़ा दिक्कत होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सरायकेला पहुंचे, जहां आदिपुर में पिछले दिनों नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 2 लाख का आर्थिक सहयोग दिया गया। वहीं मंत्री ने भी 50,000 रूपये दिए जाने की घोषणा की। हालांकि मंत्री ने दोषियों को सख्त सजा दिलाए जाने के लिए स्पीडी ट्रायल की बात कही है। आपको बता दें कि पिछले 17 जून को आदितपुर के सालडीप बस्ती की एक नाबालिग छात्रा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिसका अर्थ नंग सौ आदितपुर थाना अंतर्गत हथियाडी के समीप खरकई नदी से बरामद किया गया था, जिसकी जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि की थी। वैसे इस मामले में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सरायकेला के डीसी साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, उनके पूरे प्रशासन के सभी वरिष्ठ लोग थे। एसपी साहब, हमने जो अभी तक जांच हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें मैं समझता हूं कि पुलिस ने अपना काम अभी तक सही तरीके से किया है, क्योंकि जो उसमें बच्ची नाबालिग है तो उसमें पोस्को एक्ट लगाना है और जो हत्या हुई है, जो बलात्कार हुआ है, वो सारी धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन उसी के साथ हमने कहा है डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी, कि इसको इमीडिएट स्पीडी ट्रायल कैसे किया जाए, इसके लिए आप जो है तुरंत उपाय कीजिए, जल्दी से चार्जशीट डालिए और जल्दी से हमारे सरकारी लोक अभियोजक को लगाकर इस मामले पर त्वरित कार्रवाई। बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी पूर्णतः शराब बंद उसकी मांग उठने लगी है। पहले महिलाएं और आम लोग सड़क पर उतर रहे थे, अब जेएमएम की सरकार के सहयोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शराबबंदी की मांग करने लगे हैं। उधर युवा कांग्रेसियों ने सरकार के नाम एक पत्र लिखा है और इसमें इन लोगों ने शराब के साथ नशीली दवाएं पर भी रोक लगाने की मांग की है। कोरोना COVID-19 को देखते हुए जो राज्य सरकार द्वारा पान मसाला गुटखा सिगरेट पर प्रतिबंध किया गया है, उसके बावजूद भी शहर के पान गुंटी में और कुछ राशनों दुकानों में एवं उसमें खुले आम सिगरेट और गुटखा अवैध रूप से बेचा जा रहा है और जिस उसे शहर के युवाओं खुले आम उसे खा रहे हैं और इधर उधर सड़क थूका जा रहा है। और दूसरा है कि शहर में अवैध तरीके से कुछ इलाकों में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, उस पर भी जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। जमशेदपुर प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधियों की एक बैठक उत्तर पश्चिमी गदरा पंचायत भवन में संपन्न हुई। बैठक में उत्तर पश्चिमी गदरा पंचायत की मुखिया सुनीता नाग के ऊपर झूठा रंगदारी जैसे आरोप लगाए जाने का पुरजोर विरोध कर निंदा की गई। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उनके मान सम्मान का हनन करने का प्रयास अगर कोई करेगा तो इसका पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरे पंचायत में एक मामला चल रहा है, दो लोगों के बीच में जमीन का विवाद चल रहा है और उस पर हमको रंगदारी और काम रोकने का इल्जाम लगा है, तो वो बेबुनियाद है, झूठ है और मेरे कार्यकाल हो सकता खत्म हो रही है, इसलिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। और जो रहती है ये मेरी पंचायत की भी नहीं है, बगल की पंचायत की है और शायद उसका यहाँ जमीन है, वो तो मैं देखी भी नहीं हूँ। जमशेदपुर पसूरी थाना क्षेत्र के प्रमोद नगर शांति निकेतन गार्डन में फ्लैट के एक 30 वर्षीय महिला स्वीटी पॉल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृत महिला स्वीटी पॉल अपने पति त्रिलोक सिंह के साथ लगभग एक साल से अलग रहती थी। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन और पसूरी थाना के पुलिस घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, मेरे को डाउट हो रहा था, तो मैं
यहाँ लोकल में जॉब खोजा एक गाड़ी चलाने का, टेलर, मैं टेलर चलाने लग गया। तो मैं खड़गपुर से बड़बिल, बड़बिल से खड़गपुर चलता था, महीना में एक बार आता था। तो मेरे को डाउट होता था कि मेरा शू किधर है, चप्पल किधर है, घर में सिगरेट कैसे आ रहा है। तो मैं अचानक एक दिन मोबाइल स्विच ऑफ करके मेरे को ट्रैकिंग में डाला गया था कि मैं जब भी घर आता था मुझे मालूम चल जाता था उसको कि मैं आ रहा हूँ, वो निकल जाता था। जब मैं घर आया एक दिन स्विच ऑफ करके हाथा से, हाथा में हम लोग गाड़ी खड़ा करके आते थे, तो वो लड़का मेरे को अंदर मिला, दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। तो उसी टाइम में झगड़ा झुगड़ा बहुत हुआ, फिर मैं परसोड़ी थाना में कंप्लेंट किया। उसकी मम्मी, उसके पापा सब आए थे मेरे साथ में। वहाँ कंप्लेंट करने के बाद में फिर यही हुआ कि लड़की बोलती मेरे को डिवोर्स चाहिए मुझसे। अभी क्या सूचना मिली जब आप आए? अभी ये सर मर्डर है, क्योंकि जब स्वीटी उसको प्रोपोज कर रही होगी कि शादी करने के लिए, मतलब उत्पल को, तो उसका ऑलरेडी शादी हो चुका है, दो बच्चा है। अरे एक चीज़ बताइए कि जब आप आए तो क्या देखे, यहाँ आए तो क्या देखे? हम तो जस्ट आप लोग बुलाए सब, तब हम आए तो देखे तो वाइफ लड़की हुई है। परसोड़ी थाना अंतर्गत एक आज मामला आया था संज्ञान में कि एक महिला के द्वारा अपने फ्लैट में फांसी लगा करके, पंखे में फांसी पे चढ़ी हुई थी वो। तो अभी हम लोग आए यहाँ पर घटनास्थल पर, अभी प्रथम दृष्टिया मामला आत्महत्या का ही है। हम लोग अभी आवेदन लेके और अन्य लोगों से भी जो जांच पड़ताल करके उसके आगे का जाने। कोलंचल धनबाद में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का संयुक्त कार्यालय कंबाइंड बिल्डिंग के पास खोला गया। हिंदू परिषद के नेता रमेश पांडे ने कहा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को मजबूत बनाने के लिए यह कार्यालय खोला गया है एवं आगे आने वाले दिनों में जिले के सभी प्रखंडों में भी बजरंग दल का कार्यालय खोला जाएगा और संगठन को और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। निष्पक्ष जांच करे, किसी के दबाव में आकर किसी पर केस कर देना, जबकि सिर्फ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस और भाजपा पर केस हो रहा है लॉकडाउन उल्लंघन का, जबकि और भी राजनीतिक क्षेत्र में आप देखिएगा तो लॉकडाउन उल्लंघन का धजिया उड़ाया जा रहा है, वो किसी का श्राद्ध क्रम हो या शादी का सभा हो। तो साफ वरीय पुलिस अधिकारी से साफ मांग है कि आप निष्पक्ष जाँच करवाइए, विश्व हिंदू परिषद आपके साथ है जाँच में, लेकिन अगर गलत कार्रवाई की जा रही है तो उग्र आंदोलन करने के लिए व्हिप बाध्य होगी। झारखंड समेत पूरे भारत में जो धर्मांतरण हो रहा उसके लिए विरोध कर रही है विश्व हिंदू परिषद और उग्र आंदोलन जल्दी करेगी अगर निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश पर पूरे देश में कोल ब्लॉक्स की कमर्शियल माइनिंग की ऑक्शन प्रक्रिया शुरू होते ही झारखंड में इसका विरोध शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने देश भर के 41 कोल ब्लॉक की कमर्शियल माइनिंग के लिए घरेलू के साथ ही विदेशी कंपनियों के लिए 100% FDI के तहत रास्ता खोल दिया है। इसका मकसद ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। कहा जा रहा है कि इन कोल ब्लॉक्स की कमर्शियल माइनिंग में अगले 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा और संबंधित राज्य सरकार को सालाना 20,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा। लगभग 5-6 जो राज्य है इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, अपना मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसमें प्रक्रिया हमने शुरू किया है, लेकिन झारखंड की सरकार अभी स्टील प्रूफ का जो है उनको दस्तक दिया है कि माइनिंग जो है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राज्य नीलम प्रक्रिया में कहीं भी भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, ये अभी 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने 41 कोल माइंस को ऑक्शन करने का टेंडर निकाला है और दुर्भाग्य की बात ये है कि इस 41 टेंडर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया है, यानी विदेश की कंपनियां भी अब यहां पर आकर कोयला का माइंस खरीद लेंगी और ये प्राइवेट हो जाएगा कंप्लीट। 2-3 चीज़ समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड के संदर्भ में। पहली बात कि भारत में जितना कोयला है उसका 38% कोयला झारखंड में है। हम भारत में सबसे हाईएस्ट कोयला प्रोड्यूस करने वाले राज्य हैं, पहली बात। दूसरी बात कि भारत विश्व में चौथा ऐसा देश है जो कि कोयला सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। देखिए, इसके दो पहलू मेरी नज़र में। पहला तो ये है कि ये सीधे यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी, इनके जीवन से संबंधित रहता है, इनके स्वाभिमान से संबंधित है, इनके अस्तित्व से संबंधित रहता है। क्योंकि जितने माइंस डेवलप्ड किए गए हैं झारखंड में, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि माइग्रेशन हुआ है वहाँ से मूल निवासियों का, आदिवासियों का, और वो असम में या देश के दूसरे हिस्से में
इस विस्थापित की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो नियमतः तो उन्हें शेड्यूल्ड है दिया है, उनको तो संरक्षण मिलना चाहिए। और इसका एक दुष्परिणाम ये है कि जंगल ख़त्म होता है, जो माइंस दिया जाता है इसका दुष्परिणाम जंगल ख़त्म होता है। जंगल ख़त्म होने से दो क्षति होती है, एक तो कि यहाँ के निवासी का जीवन यापन, उनका स्वाभिमान संस्कृति खत्म होता है, दूसरे मानवता पर दुष्परिणाम पड़ता है बुरा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस की शक्ल में जमशेदपुर के बायडी गोल चक्कर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। लेकिन आज पिछले 20 दिनों से लगातार, जबकि क्रूड ऑयल का कीमत पानी से भी सस्ता है आज इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बावजूद रोज एक एक नए नए टैक्स लगा करके केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 20 दिनों में, आज आप देखेंगे कि डीजल के कीमत में करीब करीब 11.5-12 रुपये और पेट्रोल के कीमत में 10 रुपये से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को मां वेपतारिणी की पूजा जमशेदपुर में भी की गई। वैसे कोरोना महामारी और लॉकडाउन के नियमों के तहत इस बार मंदिर में बहुत ही सीमित मात्रा में श्रद्धालु नजर आए। शास्त्रों में वर्णन है कि मां के वेपतारिणी रूप की पूजा करने से परिवार पर विपत्ति नहीं आती। उधर सोनारी काली मंदिर में पूजा करने पहुंची पिंकी ने कहा, परिवार की रक्षा के लिए पूजा करने पहुंचे थे, साथ ही कोरोना महामारी से घर परिवार और देश को बचाने के लिए मां वेपतारिणी से प्रार्थना की है। दो ही चार आदमी के लिए इस बार पूजा किया जा रहा है। पूजा तो मां का नियमित रूप से जैसे पूजा होती हुई आ रहा है, वही पूजा हो रहा है। मंदिर का गेट बंद किया हुआ है, जैसे होता है उसे मां का पूजा अर्चना कर रहा है और माँ से ही विनती करता है जैसे कोरोना से माँ मुक्ति दे। SGIHM Institute of Hotel Management Registered by Government of India। क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor DX Trade Center near Ram Mandir opposite Bandhan Bank, बिस्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट।